जय हिंद। आई एम जो है 1987 में पूछा गया यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने का प्रयास करते हैं, पेपर टू सेक्शन बी। देखो क्वेश्चन को पहले जब मैं पढ़ता हूँ तो ध्यान से सुनना कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द इंडियन ओशियन एज अ जोन ऑफ पीस। इंडियन ओशियन रीजन मतलब हिंद महासागर, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, पूरा का पूरा जो हिंद महासागर है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। किस चीज को लेकर है कि कैसे हिंद महासागर एक जोन ऑफ पीस है, वहां शांति हमेशा बनी रहती है, यहाँ कोई बड़ा लंबा चौड़ा किसी देशों के साथ विवाद नहीं है। आगे देखिए गया इसमें कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द इंडियन ओशन एज अ जोन ऑफ पीस एंड इन व्हाट वेज डिड द 7th समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट परस्यू दिस आइडिया। देखो 7वां जो समिट हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, गुटनिरपेक्ष देशों का, वह भारत में हुआ था। और ये 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता जब भारत ने की थी तो यह कितना जो है कह सकते हो कि इन व्हाट वेज डिड द 7th समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट परस्यू द आइडिया ऑफ द जोन। देखो जो अभी हमने बताया कि कैसे इंडियन ओशियन जोन ऑफ पीस है, तो जब 7वां नॉन अलाइनमेंट और गुटनिरपेक्ष का नेतृत्व भारत किया था तो इस बात को और कैसे साबित करता है कि भारत और हिंद महासागर में कोई भी बहुत बड़ा विवाद नहीं है, कोई यहाँ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, या एक शांति का एक जोन है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही, यही बातें इसमें पूछी जा रही। और ऐसे भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि हम किसी ब्लॉक में नहीं आएंगे, शांति समरसता से हम अपनी विदेश नीति खुद निर्धारित करेंगे। ठीक है, जैसे भारत हो गया, इजिप्ट वगैरह हो गया, इन देशों ने कभी भी नाटो या फिर USSR या वारसा पैक्ट में संधि में हस्ताक्षर नहीं किया, शामिल नहीं हुआ। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो आइडिया और फिलॉसफी है वो अपने आप में है पीसफुल एग्जिस्टेंस की। तो इंडियन ओशन रीजन में जितने भी लगभग देश हैं वो सारे के सारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सदस्य थे, और क्योंकि ये लोग सदस्य हैं और जो है जोन ऑफ पीस इंडियन ओशन में जो है कह सकते हैं कि सटे हुए देश हैं, इन लोगों जो है हमेशा पीसफुल कंट्री रहे हैं, हमेशा शांति से रहना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं जाते जाते एक बार फिर पढ़ देना चाहता हूँ कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ इंडियन ओशन रीजन एज अ जोन ऑफ पीस एंड इन व्हाट वेज डिड द 7th समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट परस्यू दिस आइडिया। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।